शेखर सुमन, डे वन से शेखर सुमन वो हैं जो कि लड़ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए। और इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपको बताने वाला हूं कि उनका क्या रिएक्शन था जब एक बंदे ने रिसेंटली ये बात बोली थी कि 13 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती साथ थे। मैं स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में और बताना चाहता हूं एक मेजर इंपॉर्टेंट बात। शेखर सुमन दोस्तों वो व्यक्ति हैं जो कि बिहार स्पेशली गए थे, जहां पर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी, उनकी फैमिली मेंबर से बातचीत करी थी, उनसे मुलाकात की थी और साथ ही साथ नीतीश कुमार जी से भी बातचीत की थी। और शेखर सुमन वही है दोस्तों जिन्होंने सोशल मीडिया पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए हर दिन ट्वीट किया है, हर दिन जस्टिस की मांग की है, सीबीआई जस्टिस की मांग कर रही है, और जो उनके अगेंस्ट बोलता है, यानी कि जो सुशांत दादा के अगेंस्ट बोलता है, उनको जबरदस्त तरीके से लताड़ा है। अब यहाँ पर एक बात सामने आई थी कि शेखर जो है 13 तारीख को रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत एक साथ थे। इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि कुछ भी, कल को कोई भी उठकर आ जाता है और कोई भी एक मिनट का फेम पाता है और कुछ भी बोलकर चले जाता है, इस तरीके की बात वो कहते हैं। सीरीज ऑफ ट्वीट करते हैं शेखर सुमन और शेखर सुमन अपना गुस्सा जाहिर करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, कुछ भी कोई भी कभी भी कुछ भी बोल के जाते हैं कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ मौजूद थी 13 तारीख को, ये हुआ था वो हुआ था, और शेखर सुमन इस सारी बातों का खंडन करते हैं। शेखर सुमन का तो रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, आपका क्या है रिएक्शन ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नया हूं चैनल में, थोड़ा सा सपोर्ट करें, मैं इसी तरीके से आपको सारी बातें बताता रहूंगा।